एक जघन्य अपराध आपके देश के अंदर हुआ, लेकिन ये हमारे कानों तक बात आज तक नहीं पहुंची। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का 15,000 करोड़ का सालाना बजट है। आज की परिस्थिति यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के सभी मंदिरों पर सरकार का अधिकार है और मंदिरों के सारे पैसे को चर्च बनाने में, मस्जिद बनाने में, मजारों पे मार्बल लगाने में खर्च कर, और वही पैसा जो आपकी और मेरी मेहनत की कमाई से हम अपने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए देते हैं, वो पैसा सरकार मुसलमानों के बच्चों को 1-1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देकर IAS बनाने में खर्च करती है। इस बार का माइनॉरिटी कमीशन का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसको 3,097 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है सिर्फ इन्हीं कामों। क्या इस देश के हिंदुओं को हक नहीं है कि उनके बच्चे IAS बने? समस्या को खत्म नहीं कर रहे हैं, उनकी नस्लों दर नस्लों को पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। हमारी टीम के एडवोकेट जे साई दीपक साहब सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो किसी सरकार में नहीं होगा।